गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय एक का पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। हम लोगों ने पढ़ लिया था जनन, और जनन के द्वारा लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हम लोगों ने कीटों का जो है जनन पढ़ लिया था, और पौधों का जनन बाकी है। यानी कि जनन की प्रक्रिया में, जनन की प्रक्रिया में एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी कि जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, और जो संतानें उत्पन्न होती वो हूबहू अपने पेरेंट्स सेल्स की तरह होती हैं, और उन्हीं को जो है उनका क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन जो होता है ये जीवों में भी होता है और पौधों में भी होता है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन जो होता है वो जीवों में भी होता है और पौधों में भी होता है। लैंगिक जनन भी जो होता है वो जीवों में भी होता है और पौधों में भी होता है। ये यानी कि ये पौधों में भी होता है और जीवों में भी होता है। तो हम लोगों ने कल ये सेशन जो है पढ़ लिया था कि अलैंगिक जनन में जो जीवों की जन्म की विधियां थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहली विधि थी जो है द्विभाजन, दूसरी थी जो है बीजाणु जनक, तीसरी थी जो है मुकुलन, चौथी थी जो है खंडीभवन, और फिर पुनरुद्धिकरण, ठीक है। तो इस तरीके से ये पांच जो है विधियां इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था जीवों की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों की अलैंगिक जनन, ठीक है, पौधों का अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, पौधों का अलैंगिक जनन। जो पौधों का अलैंगिक जनन होता है उसे कायिक जनन भी कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन कहते क्यों इसे हैं, ठीक है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे पौधों के कायिक अंगों द्वारा, ठीक है, यही लिखेंगे डिफिनेशन, पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पौधे को जो जन्म होता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, कायिक अंगों द्वारा। देखिए कायिक अंग, कायिक, इसका नाम कैसे पड़ा, ये नाम पड़ा है काया से, काया, काया का मतलब क्या होता है, शरीर, ठीक है, शरीर। जैसे कहते हैं ना ये काया किसकी, मिट्टी की बनी है, ये काया जो है यानी कि शरीर बना है मिट्टी का बना हुआ है, ऐसे जो है इस शरीर को काया भी कहा जाता है, ये उसी का सिनोनिम्स है या पर्यायवाची है। तो काया का मतलब होता है शरीर। तो पौधों के काया, काया का मतलब जो उसका शरीर होता है, और उसके शरीर में, पौधों के शरीर में, काया में क्या क्या चीजें आती हैं, तना आता है, जड़ आता है और पत्ती आता है, ठीक है। जो काया होती है, जो पेड़ों की पौधों की जो काया होती है, उस काया में यानी कि उसके शरीर में क्या क्या चीजें आती हैं, जड़ तना पत्ती, ठीक है, जड़ तना पत्ती ये आता है। उसकी काया में फूल फल और बीज भी आता है, लेकिन फूल फल बीज से यहाँ पे लैंगिक जनन होता है, फूल फल बीज से लैंगिक जनन होता है, जड़ तना पत्ती से कायिक जनन होता है, ठीक है ना। तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि कायिक जनन में ये प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि तना से, जड़ से और पत्ती से, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग हैं यानी कि पौधों का कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, ठीक है, यानी कि काया से जनन, काया, काया का मतलब शरीर, शरीर क्या होता है, जड़ तना पत्ती, तना जड़ और पत्ती, ठीक है, ये इसके जो है कायिक अंग होते हैं, यानी कि उसकी काया के अंग होते हैं। अब तना जो होता है, ठीक है, कुछ ऐसे जो तने होते हैं जिनको हम अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि उनका उपभोग करते हैं, खाते हैं। तना जो होता है ये मेनली तीन प्रकार का होता है, एक होता है भूमिगत तना, भूमिगत तना,
भूमिगत तना का मतलब ऐसा तना जो पूरा का पूरा भूमि के नीचे होता है, नाम से ही प्रकट हो रहा है, भूमिगत यानी कि भूमि के नीचे दबा हुआ तना, यानी कि ऐसा तना जो भूमि के नीचे होता है उसे भूमिगत तना कहते हैं। दूसरा होता है अर्ध वायु वायवीय तना, तना ठीक है। अर्धवायवीय तना का मतलब हो गया एक ऐसा तना जो आधा तो भूमि में है और आधा वायु में है, ठीक है। अर्धवायवीय तना यानी कि आधा वायु में होना चाहिए और आधा चाहे भूमि में हो जाए या जल में हो जाए, तो उसे कहा जाता है अर्धवायवीय तना। तीसरा होता है वायवीय तना, वायवीय तना यानी कि पूरा का पूरा जो तना रहेगा वो वायु में रहेगा, ठीक है। तो ये तना के स्पेशली तीन पार्ट हो जाते हैं। अब भूमिगत तना, ठीक है, भूमिगत तना क्या होता है जो यानी कि भूमि में होता है, ठीक है, जो यानी कि भूमि में होता है। तो भूमि में जो तने होते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? सबसे पहले तो यही आपको मालूम होना चाहिए कि जो तने होते हैं कौन कौन से ऐसे तने हैं या जड़ है। काफी कंफ्यूजन होता है तना और जड़ में। पूछ लेता है कि आलू क्या है तो वो तना है, पूछ लेता शकरकंद क्या है तो वो जड़ है। तो देखिए कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन फिर भी जो है कंफ्यूजन रहता है। पूछ लेता है कि जो है प्याज लहसुन क्या है तो वो तना है, पूछ लेता गाजर मूली क्या है तो जड़ है। सबसे मेनली तो यही मालूम होना चाहिए, कंपटीशन जब भी आप देंगे तो उसमें यही चीजें जो है छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं जो कि काफी कंफ्यूजन वाली होती हैं। तो उसके लिए जो है हमारी एक लाइन है उसको याद कर लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। जैसे पिया लहसुन रख कर जल्दी आओ बेड पर, ठीक है, याद हो जाएगा। पिया लहसुन रख के जल्दी आओ बेड पर, यानी ये रात हो गई, लहसुन रख के जल्दी बेड पर आ जाओ। पिया का मतलब ले लेंगे प्याज, ठीक है। लहसुन का मतलब तो लहसुन ही हो जाएगा, रख कर अदरक, अदरक, ठीक है। यहां से कन्वर्ट करेंगे हल्दी, जल्दी हल्दी हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। आओ आलू हो जाएगा, और ओख हो जाएगा, बेड बंडा हो जाएगा, ठीक है, बंडा हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके तने हैं, ये सभी आपके तने हैं। एक लाइन याद कर लेंगे तो जिंदगी भर के लिए फुर्सत हो जाएगा। अब इसी में आपकी क्लास में पूछा गया था भूमिगत तने में कंद, कंद क्या होती है? आलू। कंद क्या होती है? आलू। प्रकंद, प्रकंद क्या होती है? अदरक, अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी जो होती है प्रकंद में आते हैं, ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा जो है पूछे आते हैं और महत्वपूर्ण है। कि कंद जो होती है वो आलू में आती है, आलू जो है किसमें आती है? तने में आती है, और फिर आलू जो है कंद में आती है, यानी कि ये हो गया प्रकंद। प्रकंद जो है प्रकंद में, अदरक को प्रकंद में रखा गया है। घनकंद, घनकंद, घनकंद में जो है आपका बंडा आता है, बंडा, ठीक है, बंडा आता है। जैसे जो अरुई होती है, जो घुइया होती है, उसी के जैसा एक लंबा सा ऐसा क्या होता है, ठीक है, ऐसा जो है, ठीक है, एक बंडा होता है, ठीक है, ये वाला बंडा, ठीक है, घुइया की तरह जो है उसका ये बंडा होता है लंबा लंबा से, ठीक है, मार्केट में देखे होंगे, तो उसको कहा जाता है बंडा, ठीक है, या कचालू भी कहा जाता है, ठीक है। तो बंडा हो गया, घनकंद, और जिमीकंद हो गया, जिमीकंद हो गया। गांव गांव में कहीं पे इसको कांद भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे सूरन भी कहा जाता है। गोल सा होता है बिल्कुल, ठीक है, सब्जी वाली दुकानों पे आपने देखा होगा, गोल सा बिल्कुल होता है और काफी भारी सा होता है, ठीक है। तो उसको जो है घनकंद कहा जाता है, यानी कि घन जो एक गोला या घन के आकार का वो होता है, बड़ा सा होता है, इसीलिए उसको घनकंद कहा जाता है। सल्ककंद, सल्ककंद, सल्ककंद होते हैं प्याज, प्याज और लहसुन, ठीक है, लहसुन। सल्क क्या होते हैं? सल्क का मतलब होता है परत, सल्क, सल्क जैसे, सल्क का मतलब होता है परत से, परत, ठीक है, सल्क का मतलब होता है परत, वैसे तो जान लीजिए सल्क का मतलब होता है परत। तो सल्क यानी कि जैसे प्याज में है तो एक परत खोलिए तो फिर प्याज, फिर परत खोलिए, फिर परत खोलिए, फिर परत खोलिए, यानी कि जो प्याज होता है ये पूरा का पूरा किससे बना होता है? सलकों से बना होता है, यानी कि परतों से बना होता है। ठीक
ठीक इसी प्रकार की जो है आकृति लहसुन की भी होती है। लहसुन भी परत दर परत ही बना रहता है, तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा कि प्याज और लहसुन जो है उसमें सलके होते हैं, यानी कि परतें होती हैं, तो उसे सलकन। बंडा होता है बहुत भारी सा लंबा सा होता है, और जिमीकंद बिल्कुल घन के आकार का, यानी कि गोला या घन के आकार का होता है। तो उसमें आ गया कंद में आलू को रखा गया, प्रकंद में अदरक को रखा गया। दो तीन दिन आप इसे रेगुलर जो है नोट्स बना के पढ़ लेंगे तो आपको जो है ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन याद रहेगी तो आपके जीवन भर के लिए जान लीजिए तैयार हो गया। अर्धवायवी तना, अर्धवायवी तना का मतलब हो गया जो आधा वायु में हो और आधा भूमि के अंदर हो। जैसे दूब घास हो गई, क्या दूब घास हो गई, जैसे दूब घास जो लगती है, ठीक है, दूब जो होती जैसे यहां से निकल के ये यहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है, तो उसका तना होता वही यहाँ पर जो है जड़ पकड़ लेता है, ठीक है। वो जहां पर भी जो है जमीन में टच करती है और उसकी गांठें जहां पर होती हैं, जो गांठ होती है वहीं से जो है उसकी जड़ निकल आती है, फिर ये एक नया पौधा बन जाता है। अब इसकी अगर यहाँ से काट भी दिया जाए तो ये नया पौधा, और ये यहाँ पे नया पौधा बन जाता है। तो यानी कि उसकी जो तना होता है वो ऊपर भी रहता है और आधा जमीन के नीचे भी रहता है। तो वो दूब घास हो गई, जलकुंभी, जलकुंभी, जलकुंभी जो होती है तालाबों में देखते होंगे, तालाबों में पाई जाती है जलकुंभी, ठीक है, तालाबों में होती है। तो उसमें क्या होता है, जब तना होता है आधा तो पानी में होगा लेकिन आधा जो होता है उसका हवा में, वायु में होता है। तो ये हो जाते हैं वायवीय तना के अंतर्गत क्या आते हैं, यानी कि पूरा का पूरा तना जो होता है ये मिट्टी हवा वायु में ही होता है। जैसे आपका गुलाब ले लेते हैं, गुलाब, तो गुलाब क्या होता है, बीज से कलम काटते हैं और उधर लगा देते हैं। या फिर गन्ना होता है, तो गन्ना भी क्या करते हैं, काटते हैं और लगा देते हैं। तो यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कायिक प्रवर्धन, यानी कि अलैंगिक जनन, यानी कि यहाँ पे अलैंगिक जनन है, एक ही पेड़ के द्वारा उसकी संतान उत्पत्ति होगी और कायिक अंगों द्वारा होगी, यानी कि उसके अंग जो होते हैं जड़ तना पत्ती उसी के द्वारा होगी, जिसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा है तना। तना में हम लोगों ने भूमिगत पढ़ा, तना पढ़ा, अर्ध आधा वायु में पढ़ा है और पूरा वायु में पढ़ा है। जो भूमिगत तना पढ़ा है इसमें जो है ये कंद, प्रकंद, घनकंद और सलकंद पढ़ा है। आधी वायु में तो जो तना पढ़ा है दूब घास और जलकुंभी का पढ़ा है, और वायु तना में गुलाब और गन्ना का तना हो जाता है, ठीक है। तो इतना हम लोग तने के अंतर्गत हम लोग इतना याद करेंगे, तना हो गया। तने के बाद जो है आता है जड़, यानी कि जड़ से ही, अब जैसे यहाँ पे देखिए जो तना हम लोगों ने पढ़ा था आलू, आलू में क्या होता है, देखिए आलू होती, आलू में ऐसे 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 आंखें होती हैं। जब आलू थोड़ा दो तीन चार महीना पुराना हो जाता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, तभी वो जो है मीठा होने लगता है। तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कुछ आंखें जो है निकल आती हैं, ठीक है, यहाँ से जो है कुछ अंकुरित होने लगते हैं और वो स्वतः होते हैं, वो व्यक्ति नहीं करता है, वो स्वतः होते हैं, इसीलिए वो जो है प्राकृतिक जनन एक प्रकार से हो जाता है, ठीक है। जड़ तना पत्ती, ठीक है, जड़, अब जड़ में आते हैं। तो जड़ देखिए, जैसे इधर हम लोगों ने तना के विषय में पढ़ा था, तना यानी कि ये जो भी चीजें हैं ये सब प्राकृतिक जनन में आता है, यानी कि कृत्रिम जनन में नहीं, व्यक्ति द्वारा नहीं, ये प्राकृतिक रूप से यानी कि स्वतः होता है। अब जड़ में कुछ जड़ें ऐसी हैं जिनका प्रयोग नई जो है नए पौधों को उगाने में किया जाता है, जैसे ये आपके हो जाते हैं शकरकंद, शकरकंद, ठीक है, शकरकंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है शकरकंद के बाद डहेलिया की जड़ें हो जाती हैं, डहेलिया, ठीक है, डहेलिया की जड़ें हो जाती हैं। शकरकंद का जो भी भाग खाया जाता है वही जो है मिट्टी में बो दिया जाता है, तो वही मिट्टी में बो देने पर वो जो है नया पौधा वहीं से निकल आता है, ठीक है। तो ये जो होती है शकरकंद जो है एक प्रकार की जड़ होती है, ठीक है। और जैसे जड़ें तो और भी होती हैं लेकिन उनका जो है कायिक प्रबंधन नहीं किया जाता है, ये हम आपको कंपटीशन के लिहाज से बता रहे हैं। ये होती गाजर की जड़, गाजर, गाजर का खाने वाला भाग भी जो होता है, जो गाजर खाई जाती है वो एक जड़ होता है, लेकिन गाजर का बीज बोया जाता है ये आपके प्रवर्धन में नहीं आता है, लेकिन ये आपके कंपटीशन में आता है। जब भी आप कभी ऊपर लेवल का कंपटीशन देंगे तो आपसे पूछा जाएगा, गाजर हो गई, मूली हो गई,
पूछा जाता है जो खाने वाला भाग होता है वो तना होता है या जड़ होता है, तो बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो हमने तने वाली एक लाइन लिख दी थी, उसको बाकी छोड़ने के बाद बाकी सब क्या है, जड़े हैं। गाजर, मूली, शलजम, जम और चुकंदर, ये सभी जो है ये जड़े हैं। ठीक है, इधर शकरकंद भी जड़ है, लेकिन इनका क्या होता है, बीज बोया जाता है। क्या होता है, इनका बीज बोया जाता है। इन्हें गाजर या मूली जो है नहीं लगाया जाता, इनका बीज बनाया जाता है, उसको बोया जाता है। तो इनको हम लोग कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे, ये इसलिए बता दिया क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जड़ से, यानी कि शकरकंद बोते हैं तो नया पौधा बनता है, डहलिया की जड़ लगा देते हैं तो नया पौधा बन जाता है। पत्ती, पत्ती से भी ऐसा होता है कि नए नए पौधे जमते हैं, यानी कि एक पौधा ऐसा है जिसकी पत्तियों को यदि रोप दिया जाए तो आपको नया पौधा मिल जाएगा। तो ये पौधा है अजूबा का, अजूबा। ठीक है, यानी कि उसकी पत्तियों को ही जो है जमीन में गाड़ दीजिए तो नया पौधा वहां से उगने लगता है। तो ये होता है अजूबा की पत्ती। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कायिक प्रवर्धन, यानी कि काया, जड़, तना, पत्ती का। ठीक है, अब उसके बाद जो ये पौधों का पौधों का जो है अलैंगिक जनन होता है, जनन होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसी में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कुछ होती है प्राकृतिक विधि, तिक विधि, और कुछ होती है कृत्रिम विधि, विधि। प्राकृतिक विधि का मतलब ऐसी विधि जो इंसान नहीं करता है, वो प्रकृति स्वयं करती है, यानी कि उसमें स्वतः प्रोसेस चलती रहती है, तो उसको प्राकृतिक विधि द्वारा जो है पौधों में अलैंगिक जनन होता है। जो भी हमने पिछले पढ़ा है आलू का और जो है आलू का पढ़ा है, और जो भी चीजें हम लोग अरुई का पढ़ा है, आलू का पढ़ा है, जो है हल्दी का पढ़ा है, और जो है क्या कहते हैं अदरक का पढ़ा है, ठीक है, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सब स्वतः होता रहता है। तो ये जो स्वतः क्रियाएं होती हैं, ये स्वतः जो है इनमें नया पौधा बनने लगता है। आपके घर में भी अगर प्याज काफी दिनों तक रखा रहेगा तो वो अंकुरित होने लगता है। अगर जो है क्या कहते हैं ये लहसुन भी अधिक दिनों तक या आलू भी अधिक दिनों तक रहता है तो स्वतः अंकुरित होने लगता है। तो ये स्वयं जो होता है उसे प्राकृतिक विधि कहते हैं। कृत्रिम जो होता है, कृत्रिम विधि का मतलब जो मानव द्वारा की जाती है, यानी कि मानव द्वारा कुछ करके उसके बाद जो है नया पौधा बनाया जाता है, तो उसको जो है कृत्रिम विधियां कहा जाता है। ये विधियां होती हैं कलम द्वारा या दाब द्वारा। ठीक है, कलम द्वारा होता है या दाब द्वारा होता है। अब जो हमने वायवीय तना वाला पढ़ा था वो कुछ ऐसे ही होता है, जैसे गन्ना होता है उसको काट दिया जाता है और काटने के बाद उसको जमीन में रोप दिया जाता है। ठीक है, तो वो उसकी एक जान लीजिए, वो तो है गन्ना, तो कलम तो नहीं बनाई जाती गन्ना की, लेकिन जैसे गुलाब हो गया, ठीक है, गुलाब को ऐसे काटा जाता है उसकी कलम बना दी जाती है, कलम के रूप में उसको किया जाता है, यानी कि जैसे हमारी कलम होती है एक शार्प नोक की तरह, ठीक है, उसको जो है ऐसे बनाया जाता है और उसी को जो है जमीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उससे जो है नया पौधा विकसित हो जाता है। तो कलम द्वारा भी होता है। बहुत सारे आम के ऐसे पेड़ होते हैं जो कलम बनाए जाते हैं, जैसे दो आम के पेड़ हो गए, एक ये पेड़ हो गया, एक ये पेड़ हो गया, फिर उनको क्या है थोड़ा थोड़ा छील दिया जाता है ऐसे, और ऐसे छील दिया जाता है, फिर उनको आपस में ऐसे जो है रस्सी के द्वारा जहां पे एक दूसरे से काटा जाता है, यानी कि इस पेड़ का थोड़ा सा भाग छील दीजिए और इस पेड़ का थोड़ा सा भाग छील दीजिए, और छीलने के बाद उनको आपस में यहाँ पे ऐसे रस्सी द्वारा बांध दीजिए, कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि दोनों आपस में चिपक जाएंगे। चिपक जाने का मतलब है इसके गुण उसमें चले गए, उसके गुण उसमें चले आए। फिर जो भी पेड़ हमें रखना है या जो भी अच्छी किस्म का पौधा था उसका पौधा हम लोग नहीं काटेंगे और दूसरा वाला पौधा काट दीजिए। ठीक है, दूसरा वाला पौधा काट दीजिए, और जब दूसरा वाला पौधा काटेंगे तो इसकी जड़ काट दीजिए। तो इस प्रकार से एक कलमी पौधा तैयार हो जाता है जिसमें दोनों ही पेड़ों के गुण होते हैं, तो इसे कहते हैं कलम लगाना या कलम बांधना। ठीक है, तो इस तरीके से कलम लगाई जाती जो अपने आप स्वतः नहीं होता है, ये व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो है व्यक्ति के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जाता है कलम बनाने में। दाब क्या होता है, जैसे कोई भी पौधा है, मान लीजिए कोई भी जो है फूल का पौधा, या मान लीजिए कोई बैंगन का ही पौधा है,
उसकी जैसे डाल है, ठीक है, उसकी डाल है, तो उसकी डाल को ऐसे जमीन के अंदर जो है दबा दिया गया, ये मिट्टी के अंदर जो है उसको दबा दिया गया। जब मिट्टी के अंदर ये दबा दिया जाता है, दाब डाल के दबाया गया ना, दाब डाला गया, तो यहां से कुछ जड़े इसमें प्रस्फुटित हो जाती, जहां पे पत्तियां होती हैं वहां से कुछ जड़े जो है प्रस्फुटित हो जाती, यानी कि फूट आती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। जब इसको काट देते हैं तो ये पौधा मुरझाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जड़े हो जाते हैं, इनको यहाँ से भोजन मिलने लगता है, फिर ये एक नया पौधा हो जाता है, इसको कहीं पे जाकर रोप सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका कृत्रिम जनन। ठीक है, कृत्रिम तरीके से जनन हो गया। अब पौधों के ही अलैंगिक जनन में आता है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, प्रवर्धन सूक्ष्म प्रवर्धन, यानी कि एक ऐसा प्रवर्धन, ऐसा पेड़ विकसित करना जो बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों के द्वारा होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन लिए जाते हैं, सावधानी रखी जाती है, और बहुत ही जो है उसके लिए मौसम तैयार किया जाता है, उसके लिए कंटेनर तैयार किया जाता है, और सब एक नियंत्रित वातावरण में किया जाता है, तो उसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा कोई भी जो है कोई भी फल है, मान लीजिए कोई भी गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ठीक है, कोई भी चीज है, ठीक है, तब क्या करते हैं इसका कोई, और इसको जो है एक उसमें इसका जो है क्या करते हैं कि काट लेते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, क्या काट लेते हैं इसका जो है ऊतक एक ले लेते, टिश्यू ले लेते हैं, ठीक है, और उसको जो है रख देते हैं एक कंटेनर में। ये होता है कृत्रिम पोषक आहार, कृत्रिम पोषक कंटेनर, ठीक है, ये कृत्रिम पोषक कंटेनर, यानी कि इस कंटेनर में क्या होते हैं, कृत्रिम तरीके से पोषक तत्वों को भर दिया जाता है। पोषक तत्व क्या होते हैं, जैसे मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, या कुल 18 पोषक तत्व होते हैं, हमारी बॉडी में भी 18 पोषक तत्व होते हैं, इस मिट्टी में भी 18 पोषक तत्व होते हैं, किसी भी पेड़ को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की अधिक जरूरत होती है और कुछ पोषक तत्वों की कम मात्रा में जरूरत होती है। तो जैसे हम इसे उगाना चाहते हैं तो हमें इसमें कृत्रिम पोषक, यानी कि जिन जिन तत्वों की जरूरत होती है उन सभी तत्वों को इसमें रख दिया जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से पोषक तत्वों को बना दिया जाता है। ठीक है, अब पहला स्टेप ये है कि स्टेप फर्स्ट इसमें क्या करते हैं कि एक तो ऊतक काट लेते हैं, ऊतक, ऊतक यानी कि टीसू काट लेते हैं, काट लेते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं, टीसू काट लेते हैं। टीसू क्या होता है, ऊतक क्या होता है, देखिए ये पूरा जो हमारी बॉडी बनी है, या किसी भी प्राणी की, किसी भी फल की, किसी भी पेड़ की, ये सारा संसार, जो भी जीव जंतु, जहां पर भी थोड़ी सी जान होती है, जहां पर भी थोड़ी सी जान होती है, वो सारी चीजें किससे बनी है, कोशिका, कोशिका का मतलब सेल से बनी है। ठीक है, यानी कि जिस भी वस्तु में थोड़ी सी भी जान होती है, ठीक है, पेड़ पौधे या व्यक्ति, पेड़ पौधे या जीव, उसमें जो है उसका जो शरीर बना किससे बना, कोशिका या सेल से, और जो भी यानी कि जो भी सजीव चीजें होती हैं और जो भी निर्जीव चीजें होती हैं उनका निर्माण किससे हुआ, एटम से, यानी कि परमाणु से, परमाणु या एटम से उनका निर्माण हुआ है। जो भी निर्जीव चीजें हैं, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, जो भी निर्जीव चीजें हैं उन सभी चीजों का जन्म जो हुआ परमाणुओं से हुआ है, और जो भी सजीव चीजें हैं उन सबका निर्माण जो है इन कोशिकाओं से हुआ है। कोशिकाओं से जब बहुत सारी कोशिकाएं और सेम तरीके की कोशिकाएं मिल जाती हैं तो उसे तंतु कहते हैं, यानी कि ऊतक, ऊतक कहते हैं, ऊतक यानी कि टिश्यू कहते हैं। कि टिश्यू क्या होता है, अभी एग्जाम में पूछा गया है, समान प्रकार के सेलों का समूह होता है, क्या होता है, समान प्रकार के सेलों का समूह होता है, टिश्यू मिलते हैं, बनते हैं, टीशुओं से क्या बनता है, अंग बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। जब कई सारे टीशू मिल जाते हैं तो हमारे ऑर्गन, जैसे लीवर हो गया, फेफड़ी, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, ये त्वचा हो गई, ठीक है, तो ये सभी जो है हमारे ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ऑर्गन बनने के बाद फिर हमारा तंत्र बनता है, जैसे परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा सिस्टम बनता है। सिस्टम बनने के बाद सिस्टम
बनने के बाद जो है सभी सिस्टमों के समूह जब कर देते हैं तो हमारी बॉडी बन जाती है। तो ये चीज आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने बता दिया। तो ऊतक लेते हैं, ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो ऊतक लेते हैं, काट लेते हैं, काटने के बाद इसमें रख देते हैं, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, ये जो कंटेनर है, ठीक है, इसी में क्या करते हैं, थोड़े से कृत्रिम पोषक जो कंटेनर होता है, कृत्रिम पोषक कंटेनर जो होता है, इसी में कुछ हार्मोन्स डाल देते हैं, हार्मोन्स, ठीक है, क्योंकि बिना हार्मोन्स के पौधे भी काम नहीं करते हैं या उनका भी ग्रो नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पौधे बढ़ते हैं या फूल आता है या पुष्प आता है या ग्रो करते हैं, उन सब के पीछे हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, जैसे ऑक्सीटोसिन होता है बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें कुछ हार्मोन्स डाल देते हैं, हार्मोन्स डालने के बाद इसमें जो है तना विकसित होने लगता है, तना विकसित, ठीक है, तना विकसित होने लगता है। हार्मोन्स जब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कृत्रिम पोषक आहार में, तो तना विकसित होने लगता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा जो है ठीक से नियंत्रित वातावरण में, ये पूरी क्रिया जो होगी नियंत्रित वातावरण में, नियंत्रित वातावरण, वातावरण में होती। नियंत्रित वातावरण का मतलब ये हो गया कि कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, लगभग 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर में बहुत ही अच्छा जो है विकास होता है। कितनी उसकी मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, कितना उसका सूखापन चाहिए, कितनी नमी चाहिए, ठीक है, कितनी जो है उसमें नमी चाहिए, तो ये सभी जो है नियंत्रित वातावरण होता है। अब जो है हार्मोन्स होते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो भी ये होता है इसमें तना स्फुटित हो जाता है, उसमें जड़ें भी आने लगती हैं, ठीक है, जड़ें आने लगती हैं। नियंत्रित वातावरण में रखने पर थोड़ा सा गर्मी देंगे तो वो जो है जल्दी से उसका विकास होने लगता है। फिर स्टेप फोर में क्या करते हैं कि जब तने का विकास हो जाता है और जड़ों का भी विकास हो जाता है तो उसको ले जाते हैं और कहीं भी रोप देते हैं और वो अपना विकास फिर करने लगता है। तो ये सब तरीके बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है, ये सब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी बातों को इसमें ख्याल रखा जाता है, इसे जो है सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। तो ये तो हो गया पौधों में अलैंगिक जनन, यानी कि आपका अलैंगिक जनन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। हम लोगों ने जनन में, अलैंगिक जनन में जीवों का जनन कर पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा था, और आज के वीडियो में हम लोगों ने पौधों का अलैंगिक जनन पढ़ा है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनन यानी कि जो है लैंगिक जनन हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और उसी के साथ आपका चैप्टर ये पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगले वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर लैंगिक जनन पढ़ने के बाद जो है समाप्त हो जाएगा। तो इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।